हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पना। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आपके साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, हम लोग आर सीरीज होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने, मैंने R1 से वीडियोस बतानी आप लोगों को शुरू करी है, R1 मेडिसिन से बताना शुरू किया है और आज हम लोग R77 से हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज़। इससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहें विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द टाइमिंग्स ऑफ द लाइव कंसल्टेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आर सीरीज होम्योपैथिक मेडिसिन। आज हम बात करेंगे R77 होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ये जो R77 है, ये है एंटी स्मोकिंग ड्रॉप्स। तो जो लोग स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उनको सिगरेट पीने के वजह से एक बॉडी में सिगरेट की आदत हो जाती है। यानी कि वो लोग जब सिगरेट नहीं पीते हैं तो वो कहते हैं कि अगर सिगरेट नहीं पी रहे तो हम मोशंस नहीं पास कर पा रहे हैं, एक बॉडी डिपेंडेंट हो जाता है। तो इन डिपेंडेंसी से हम बॉडी को कैसे हम हटा सकते हैं, जो ये विड्रॉल सिम्टम्स हैं जो हो सकता है आपके माइंड में होता हो, आपके बॉडी में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सिगरेट अगर आप स्मोक करते हैं और उसके वजह से आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो गई है और विड्रॉल सिम्टम्स को, हैंगओवर सिम्टम्स को डील करने में जो मेडिसिन मदद करेगी, दैट इज़ R77 एंटी स्मोकिंग ड्रॉप्स। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R78। जो R78 मेडिसिन है, दिस इज आँखों के लिए आई केयर ड्रॉप्स। और ये जो आई केयर ड्रॉप्स है, ये आँखों में डालने की मेडिसिन नहीं है, ये खाने के लिए मेडिसिन है। और इसमें आँखों से रिलेटेड जो भी समस्या है, जैसे कंजंक्टिवाइटिस है, इसके बाद होरियोलम है, डिप्लोपिया है यानी कि डबल विजन होना, तो आई से रिलेटेड जितनी भी समस्या आपको होगी, तो उसमें जो R78 मेडिसिन है, R78 आई केयर ड्रॉप्स, ये आपको मदद कर सकती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R81। तो जो R81 मेडिसिन है, दिस इज एनल्जेसिक ड्रॉप्स। एनल्जेसिक ड्रॉप्स का क्या मतलब होता है कि पेन अगर है और एज अ पेन किलर ये मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। आपको दर्द हो रहा है, आपको जॉइंट पेन हो रहा है, आपको मसल में पेन हो रहा है, आपको सर में दर्द हो रहा है, तो कोई भी अगर पेन आपको हो रहा है तो एनर्जेसिक्स यानी कि पेन किलर, तो एज अ पेन किलर ये जो R81 एनर्जेसिक ड्रॉप्स है, ये आपको मदद कर सकती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R82। जो R82 मेडिसिन है, दिस इज फंगल ड्रॉप, एंटी फंगल ड्रॉप। 82 जो हमारी मेडिसिन है, दैट इज एंटी फंगल ड्रॉप। और एंटी फंगल ड्रॉप किस में, अगर आपको रिंगवॉर्म हो रहा है, एथलेट्स फुट हो रहा है, जॉक इच हो रहा है, किसी प्रकार का भी अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो फंगल इन्फेक्शन को डील करने में जो हमारी मेडिसिन R82 है, ये मदद कर सकती है। तो चलिए बात करते हैं आगे की मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है फंगल, एंटी फंगल ड्रॉप्स के बाद जो हमारी मेडिसिन है, दैट इज R83। और जो R83 है, दिस इज फूड एलर्जी ड्रॉप। तो एलर्जी क्या होती है, का मतलब क्या होता है, आपके बॉडी का हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सम एजेंट। तो खाने में कई बारी आप कुछ खाना खाते हैं, वो हो सकता है कोई पर्टिकुलर तरह की कोई सब्जी हो, फिश हो, सॉसेस हो, जिसके वजह से आपको एलर्जी हो जाता है, यानी कि आपका बॉडी जो है वो एक ओवर रिएक्शन शो करता है। तो ऐसे केस में जो मेडिसिन आपको मदद कर सकती है, दैट इज R83 फूड एलर्जी ड्रॉप्स। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R84। जो R84 है, दैट इज इनहेलेंट एलर्जी ड्रॉप्स। यानी कि आप कोई
आप कुछ इनहेल कर रहे हैं जिससे आपको एलर्जी हो रहा है, डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी पोलन वगैरह है, वो आप इनहेल कर रहे हैं, वो आपके अंदर जा रहा है, उसकी वजह से आपको एलर्जी हो रही है, तो जो R84 इनहेलेंट एलर्जी ड्रॉप है ये आपको मदद कर सकती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R85। R85 किस लिए है? हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन क्या होता है, क्यों होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। अगर हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो R85 मेडिसिन मदद आपको कर सकती है। और नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R86। तो R85 जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए है और R86 है लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन। तो अगर लो ब्लड प्रेशर है जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया जैसे सिम्टम्स आपको होते हैं, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं और कोई एनर्जी नहीं महसूस होता है, फेंटिंग जैसा लगता है, तो ऐसी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो R86 आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर के लिए। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R87। R87 हमारी मेडिसिन है एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप्स। तो एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप्स में इकोलाई इन्फेक्शन है, बोट्यूलिनिज्म है, सैल्मोनेला इन्फेक्शन है, तो कोई भी अगर बैक्टीरिया के वजह से आपको इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो R87 मेडिसिन आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R88। R88 किस लिए है? R88 इज एंटीवायरल ड्रॉप्स। तो एंटीवायरल ड्रॉप्स में वायरल फीवर है, मीजल्स है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया है, ऐसी जो भी समस्या है वो R88 एंटीवायरल ड्रॉप से आप इसको टेक केयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारी सीरीज की जो सबसे ज्यादा जिस मेडिसिन के बारे में बात होती है, दैट इज R89 हेयर केयर ड्रॉप्स। तो ये जो R89 मेडिसिन है इसके बारे में काफ़ी बारी आप लोगों ने मेरे से पूछा है, लाइव कंसल्टेशंस में भी पूछा है और कमेंट सेक्शन में भी कई बारी आप लोगों ने मुझे बताया है कि R89 हेयर केयर ड्रॉप्स के बारे में बताया जाए। तो अगर हेयर लॉस हो रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो R89 मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। पर दोस्तों ये जो बाल झड़ना है, हेयर लॉस है, तो ये इसका एक कारण होता है, हो सकता है कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो रही हो, हो सकता है आपके बॉडी में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो हेयर लॉस के बारे में भी और डिटेल्स में मैं बात ज़रूर करूंगी, ऑलरेडी मैंने वीडियोस काफ़ी सारे बनाए हैं, बट और भी मैं ज़रूर उसको और एक्सप्लेन आप लोगों को करूंगी। तो आज हम लोगों ने बात करी है R77 मेडिसिन से लेके R89 के बारे में, और ये थी हमारी आर सीरीज की मेडिसिन जो मैंने R1 से शुरू किया था एंड आज R89 तक हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। तो अगर आप लोग आर सीरीज की और भी मेडिसिन के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं और आपने अभी तक उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है, तो ज़रूर जो आर सीरीज की वीडियोस मैं बना रही हूँ उसको ज़रूर आप देख सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, पब्लिश हो गए हैं, उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजना है और अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली मेरे से बात करना चाहते हैं तो CM4 या CallMe4 App का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।